أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Zuhur Ahmed from PS Ganaimala Often Dear children I am sure you will be happy as of now This is class 5th subject in English Today's topic is questions We have already read the poem Shadow Now today we are going to answer the questions from the poem Shadow. Question number one, who is the speaker of the poem? ये बोलता है इस poem में जो है speaker कौन है? इसका answer है, a small child is the speaker of the poem. एक छोटा सा बच्चा जो है वो इस poem का speaker है. Question number two, what are the changes that occur in poet's shadow? वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो पोइट की जो शेडो है ये जो परछाई है इसमें हैं कौन सी तब्दीलियां रोनमा होते हैं द चेंज दैट ऑकर इन पोइट शेडो और ये जो पोइट है पोइट की जो परछाई है इसमें जो चेंजेस आती हैं वो क्या क्या हैं समटाइम्स इट इज़ ह्यूज कभी कभी ये बहुत बड़ी होती है ये जो परछाई है ये बहुत बड़ी होती है एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी स्मॉल और कभी कभार ये क्या होती है बहुत छोटी होती है यूँ महसूस होता है जैसे ये कुछ है ही नहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ हिज शेडो इन स्टैंजा थ्री तीसरे बंद में शायर का क्या ख्याल है यानी वो क्या सोचता है तीसरे बंद में स्टैंजा थ्री वो क्या सोचता है द स्पीकर थिंक्स दैट द शेडो हैज़ नो आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन आर टू प्ले स्पीकर जो है पोएम का वो सोचता है कि इसका कोई आइडिया नहीं है ये परछाई है इसका कोई आइडिया नहीं इसको पता नहीं है कि बच्चे किस तरह खेलते हैं He believes that the shadow is covered. वो यकीन रखता है वो उसे इस पर यकीन है कि ये जो ये shadow है ये क्या है covered है ये डरपोक है and it stays close to him ये इसके साथ चिपके रहती है and he feels ashamed of himself as the shadow sticks to himself like a nurse. और अगर वो अपनी नर्स के साथ पीछे पीछे ऐसे हमेशा चिपका रहे तो पीछे पीछे जो ये जो परछाई इसके पीछे पीछे रहती है तो ये बड़ी शेमफुल बात है इस स्पीकर के लिए क्योंकि ये जो शेडो है ये इसके साथ चिपक के रहती है फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाई इज़ द शेडो फनी ये जो शेडो है ये दिलचस्प क्यों है ये फनी क्यों है यानी फनी क्यों है ये द शेडो इज फनी बिकॉज इट शूट्स अप टॉलर लाइक ए रबर बॉल ये हमें ये फ़नी इस तरह महसूस होती है ये अच्छा इस तरह इसलिए महसूस होती है हमें क्योंकि ये जो रबर बॉल है ये शूट्स अप टॉलर ये कभी उछलती है ऊपर आसमान में उछलती है एंड द अदर टाइम सो स्मॉल कभी कभार ये बहुत छोटी होती है दैट इट इज़ नॉट विजिबल और हमें ये दिखाई नहीं देती है प्यारे बच्चों ये था इसके क्वेश्चंस पार्ट सी में पार्ट डी में इसके और एक्सरसाइज होगी उसका हम उसके हम भरपूर लैंग्वेज वर्क है वो हम करेंगे इसलिए आज हमने ये क्वेश्चंस किए आइंदा आने वाले वीडियोस में इसके जो लैंग्वेज वर्क है वो हम करेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़ अल्लाह आपको सलामत रखे